माई चैनल और इंडियन ब्लॉगर तनु छक्कर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है स्पेशली मैंने जो काइली के ब्रश अमेज़ोन से मंगवाए थे उनको यूज़ करके मैंने ये मेकअप क्रिएट किया है। तो ये ब्रश का रिव्यू मैं देना चाहती हूँ। ये ब्रश वैसे तो काफ़ी सॉफ्ट है, ये सिंथेटिक ब्रिस्टल्स हैं इसके, इसलिए एकदम सॉफ्ट है, लेकिन कुछ कुछ ब्रश जो मैं यूज़ कर रही थी तो उसके जो एक दो जो ब्रिस्टल्स है वो ऊपर आ रहे थे, अभी तक निकले नहीं हैं लेकिन ऊपर आ रहे थे। बाकी एकदम जो ये सारे ब्रश है एकदम सॉफ्ट है और ये देखिए बिल्कुल भी मुझे क्रैकी मेकअप नहीं दिख रहा है। मैंने जब ये ब्रश मैं अप्लाई कर रही थी अपने फेस पर तो बिल्कुल मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो एक आप अच्छे और अफोर्डेबल मेकअप ब्रश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये काइली के मेकअप ब्रश जो अमेज़ॉन पर है वो मंगवा सकते हैं। ये टू कलर में आते हैं, ब्लैक और पिंक। मैंने ब्लैक मंगवाए हैं और ये प्राइम डील जब चल रही थी तब मैंने मंगवाए थे। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको पसंद लगे तो आप भी मंगवा लीजिए। ये काफ़ी मैं ऐसा बोल सकती हूँ ये फेमस मेकअप ब्रश है, जिसके पास अगर होंगे तो वो भी इसका रिव्यू वो जानते होंगे कि ये एक तो पहली बात ये अफोर्डेबल है, फिर ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है क्योंकि इसकी साइज़ स्मॉल है तो आपके किसी भी पॉकेट में या बैग में आसानी से आ जाते हैं। और ये मेकअप ब्रश जो मेकअप जो ब्लेंडिंग करने में काफ़ी इजी रहते हैं। इसका जो आई ब्रश का जो पूरा सेट है ये टोटल 10 ब्रश आते हैं, तो इसमें जो ये पाँच है जो आई ब्रश के सेट है जो आई शेडो में लगाने में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादातर ब्लेंडिंग ब्रश इसमें दिए गए हैं। ये देखिए काफ़ी फ्लफ़ी है और ये सारे फ्लफ़ी ब्रश हम जानते हैं कि आई शेडो में यूज़ होते हैं। आप इसको ये जो स्मॉल सा ब्रश है वो हाइलाइटर या इनर कॉर्नर लगाने में आपको हेल्प करेगा। बाकी ये सारा है, इसको मैंने कॉन्टूरिंग में भी यूज़ किया है इस मेकअप में, तो आप देख लीजिए और ये मेकअप मैंने कैसे किया है। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। वो जो रेड वाला बटन है ना वो वाइट हो जाना चाहिए, वाइट ही होता है ना सब्सक्राइब करके, ठीक है? तो जी हाँ, वाइट कर दीजिएगा और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाते रहिएगा। और थैंक यू मेरे वीडियोज़ को इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। ऐसे ही अच्छे और यूज़फुल और ब्लॉगिंग चैनल देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो देख लीजिए मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी लिप को प्रेप कर रही हूँ, मतलब मैं लिप बाम लगा रही हूँ ताकि मेकअप ड्यूरिंग मेकअप मेरा लिप्स ड्राई ना हो जाए। और इसके बाद मैं मेरा मार्स का जो सिलिकॉन बेस प्राइमर है वो मैं लगा रही हूँ, मुझे ये काफ़ी सूट करता है। अगर आपकी स्किन भी मेरी तरह थोड़ी सी ड्राई है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है प्राइमर के लिए, प्राइमर का कि स्किन को ये हाइड्रेट रखता है। और प्राइमर लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो जो मेकअप में जो केमिकल होते हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करने से ये प्राइमर रोकता है, आप सब जानते ही हैं, इसलिए ये प्राइमर लगाना काफ़ी ज़रूरी है। और मैंने ये कलर करेक्टर लगा लिया है ऑरेंज, लेकिन कैमरा ऑफ हो गया था तो मैं ये काइली का जो ब्रश है उससे मैं ये कलर करेक्टर अपने फेस पर ब्लेंड कर रही हूँ। काफ़ी स्मूदली ब्लेंड हो रहा है और ये फ्लफ़ी ब्रश है एकदम, और ये मैक का फाउंडेशन है और इसे भी मैं इसी सेम ब्रश से मैं डॉट डॉट करके मैं अप्लाई कर लूँगी। और ये लो टू मीडियम टू हाई कवरेज फाउंडेशन, अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आपको इसके दो लेयर लगाने पड़ेंगे, फिलहाल मैं यहाँ सिर्फ एक ही लेयर लगा रही हूँ। Feeling like a moment can't go to waste. I let go of your name, girl. I figured that was it. फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है, अब मैं कंसीलर लगा रही हूँ। 21 का कंसीलर लगाने के लिए मैं लगा रही हूँ, मैं हाथों से लगा रही हूँ क्योंकि ये क्रीम बेस है तो कई बार ब्रश में वो ज़्यादा स्टिक हो जाते, इसलिए मैं
ये काइली के ही ब्रश यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ हाथ से इसको लगा रही हूँ। और ये भी अच्छे से ये देखिए ब्लेंड हो रहा है, काफ़ी मतलब स्मूथ है इसके ब्रिस्टल्स, आसानी से मतलब ये टूट भी नहीं रहे। एक दो ब्रिस्टल्स हैं वो ऊपर आ रहे हैं, लेकिन एक भी उसका सिंथेटिक जो ब्रिस्टल है वो टूटा नहीं है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये हो रहा है। ये ब्रश वाकई काफ़ी अच्छे हैं, अफोर्डेबल है। अगर आप एक अच्छे मेकअप ब्रश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये काइली के अमेज़ोन से ये ब्रश मंगवाएं। 10 ब्रश का सेट है। अब मैं ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। ये दूसरा जो एंगल ब्रश है उससे मैं ये ब्रॉन्जिंग करूँगी। पाउडर ब्रॉन्जिंग है ये। और ये जो ये एंगल ब्रश है टेढ़ा सा, उससे नोज़ की कॉन्ट्रिंग भी काफ़ी अच्छे से हो रही है, ये देखिए। और चीक पे भी अच्छे से पाउडर ब्रॉन्जिंग मैं ब्लेंड कर रही हूँ। काफ़ी स्मूथली ब्लेंड हो रहा है, मतलब मज़ा आ गया ये ब्रश यूज़ करते वक्त। तो मैंने इससे पहले, मेरे पास नेक के 24 ब्रश का सेट है वो था, मैं इससे पहले ये वो ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती थी, लेकिन ये वीडियो पूरा इसी ब्रश को डेडिकेटेड है, इसलिए मैं सिर्फ यही ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ मार्स का लूज़ पाउडर, जिससे मैं अपना ये पूरा मेकअप सेट कर लूँगी। और इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट से अपना ये सारा मेकअप है वो मैं सेट कर लूँगी विथ सेम ब्रश। It's been a while. I know you're thinking the same, but I've been feeling like my moment can't go to waste. I let go of your name, girl. I figured that was it. I stopped playing your game, girl. Yeah, I thought I could quit. Sorry for what I did. Wish I could have it unsaid. Just make it right and. अब मैं ये उसी ग्लैम 21 के पैलेट में से मैं ये ट्रांसलेंट शेड ले रही हूँ, जो पहले मैं अपनी क्रीज एरिया पर मैं अप्लाई कर रही हूँ विद द आई ब्रश से, जो काइली के ही है। बहुत ही ये भी अच्छा सा फ्लफी ब्रश है, जो ब्लेंडिंग में काफ़ी हेल्प करता है और अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथली मेरी आंखों पर ये आगे पीछे हो रहा है, बिल्कुल भी स्टिकी हुए बिना और क्रैकी दिखे बिना। ये आई शेडो का जो मेरा मेकअप है वो काफ़ी अच्छे से फ्लॉलेसली होकर बाहर आएगा। मज़ा आ रहा है ये ब्लेंडिंग ब्रश से। मेरे पास ब्लेंडिंग ब्रश नहीं थे तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ ये ब्लेंडिंग ब्रश मेरे पास आ गया है। मेरे पास डैब डैब कर जो हम लोग लगाते हैं आई शेडो में, दूसरे ब्रश जो पतले होते हैं, ये देखिए वो कलर कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैं दूसरा कलर ले रही हूँ मेरी जैकलिन हिल पैलेट में से, ये मरून वाला जो शेड है वो ले रही हूँ, और इसे मैं अपने आई लीड पर अप्लाई कर लूँगी। I know you're thinking the same, but I've been feeling like my moment can't go to waste. I let go of your name, girl. I figured that was it. I stopped playing your game, girl. Yeah, I thought I could quit. I'm sorry for what I did. Wish I could have it unsaid. Just make it right instead. मैं उसी सेम पैलेट में से वो ग्लिटर शेड जो मैंने आई शेड में लगाया है उसका ग्लिटर ही शेड मैं अपने आई लिड पर लगा रही हूँ उसी ब्रश से। और ये ब्रश भी काफ़ी अच्छा ओवरऑल, मतलब इसका रिव्यू ये है, मैं एक एक ब्रश का रिव्यू कैसे दूँ, मतलब ओवरऑल सारे जो 10 ब्रशेज हैं काफ़ी अच्छे हैं। मैंने मैक्सिमम इस ट्यूटोरियल में उन ब्रश का यूज़ किया है, ब्लेंडर भी मैंने यूज़ नहीं किया है। तो ये देखिए मैंने ग्लिटरी आई शेड है मैं अपने आई लिड पर लगा दिया है, और कितना अच्छा सा आई शेडो उभर कर आ रहा है, काफ़ी अच्छा है ये देखिए। अब मैं आई कॉर्नर में ग्लिटर के लिए मेरा जो क्यूमिनाइट का जो पैलेट है उसमें से मैं उसी कॉपर शेड का मैं सिंपली शेड लेकर मैं अपनी आई कॉर्नर में इनर वी पर मैं लगा लूँगी।
और जो उसका जो आई ब्रशेस में जो सेट है कॉर्नर वाला, जो इस तरह का जो ग्लिटर लगाने में यूज़ होता है, उससे मैं अपनी इनर वी पर मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। उसके बाद में मेरी NYB की जो काजल है वो मैं लगा रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन पर हल्के हाथों से। ये भी काफ़ी अच्छी काजल है, स्मच प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, आप भी अगर ये ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपकी जो छोटी आईज़ होगी वो काफ़ी बड़ी दिखेगी और अच्छी दिखेगी। और मैं ये रिसेंटली ये लेकर आई हूँ Glam 21 की लिक्विड लाइनर, मैंने आज ही लिया है। मेरे पास जो जेल लाइनर थी वो काफ़ी ड्राई हो चुकी थी, तो मैं ये लिक्विड लाइनर लेकर आई हूँ। ये भी वाटरप्रूफ HD है और अच्छे से अप्लाई हो रही है। ये देखिए इसका पॉइंट जो है काफ़ी थीन है, तो एकदम पतली लाइनर अगर आप चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। एकदम पतली सी लाइनर होकर आएगी आपकी आँख पर, जो काफ़ी सुंदर दिखेगी। ये देखिए उसका जो थीन पॉइंट है उससे काफ़ी पतली लाइनर हुई है। इसके बाद मैं मस्करा अप्लाई कर लूँगी। मस्करा के बिना आई मेकअप कंप्लीट नहीं होता। मुझे फॉल्स लैशेस पसंद नहीं, इसलिए मैं जनरली, मेरे पास है लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ, डर लगता है कहीं रियल लैशेस भी टूटकर गिर ना जाए, तो मैं अवॉइड करती हूँ इसे। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। और ये मस्करा मैंने लगा दिया है और ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने बालों को खोल दिया है और अब ये देखिए ये मेकअप ब्रश की हेल्प से मैंने ये मेकअप क्रिएट किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं और ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। ओके, तो ऐसे ही अच्छे से वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। तो पहला ज्वेलरी